सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया जाएगा ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, और ऑप्शन डी में दिया जाएगा ललन सिंह यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि नलिन बिरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को ललई सिंह यादव का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और 1916 आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में बोला जाता है, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में रामपा विद्रोह हुआ था, और इसी के साथ में पुना पैक्ट समझौता भी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि सेन साहब को कितने लड़कियां हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग सेन साहब की जो कुल लड़कियों की संख्या है वो 5 है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 कहता है कि अग्र गजा का शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्यय हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अग्र जोड़ गजा का मतलब होता है अग्र गजा, तो इसमें आजा प्रत्यय है, और जोड़ ग्रजा बराबर अजा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अजा प्रत्यय। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 5 हमारा कहता है कि मदन किसका बेटा है। तो है दोस्तों, मदन किसका बेटा है, किताब पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि मदन गिरधर लाल का बेटा है, और गिरधर लाल एक किराने के तौर पे सेन साहब के घर में काम करता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देखिए कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट का उपाधि प्रदान किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्स मुलर एक ऐसे कवि हैं जिनको महारानी विक्टोरिया के माध्यम से नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा एक ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रपद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 8 हमारा कहता है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, आत्मसात जो शब्द है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय है, यही हम सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा अतसमात दौड़ तात बराबर असमात होता है, और यहाँ पे जो त में हलंत लगा है ना, यही इस शब्द का मूल प्रत्यय है जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। दोस्तों, याद रखिएगा विचार एवं वितर्क जो है ना, ये 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। दोस्तों, नाखून जो है वो हमेशा काटते रहना और अलंकृत करते रहना, ये सुंदरता एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने का और हमें निरूपित करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन 11 हमारा कहता है कि घृणा शब्द, यहाँ पे देखिए घृणा शब्द का
विलोम शब्द क्या होगा? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि घृणा के मतलब नफरत होता है, और घृणा का हमसे विलोम शब्द बोला गया है, इसका उल्टा शब्द पूछ लिया गया है। दोस्तों घृणा का मतलब नफरत हो गया, तो प्रेम का मतलब मोहब्बत हो गया, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, घृणा का उल्टा प्रेम हो जाएगा। उसके बाद में आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन 12 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 हमारा कहता है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। दोस्तों हवा का जब वाक बनाइएगा तो आप कभी नहीं कहिएगा कि हवा बह रहा है, कभी भी आप कहते हैं कि हवा बह रही है, और जब बह रही है बोलेंगे तो ये स्त्रीलिंग रूप में हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि हवा शब्द का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देखिए कि कुल चार आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि कुल चार आदमी है, यहाँ पे आदमियों की विशेषता बताई जा रही है कि कुल चार है, और ये संख्यावाचक विशेषण है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। यदि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में विशेषण पदबंध नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पे रहेगा संख्यावाचक विशेषण पदबंध। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 14 हमारा कहता है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 जो है इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो यहाँ पे मिश्र वाक हो जा रहा है, मिलता जुलता वाक है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 15 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 15 कहता है कि नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? यदि आप 10वीं कक्षा के हिंदी का पाठ पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो उसमें गुणाकर मूल्य का जब कहानी आप पढ़े होंगे तो नक्षत्र लोग जो है ना, ये कौन से लेखक की कृति है? तो ये गुणाकर मूल्य लेखक की कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 16 जो है ना, बोला गया कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दोस्तों जिसके लिए उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी भाषा का लिपि का नाम भी है देवनागरी, वहीं पर मराठी भाषा की लिपि के नाम की बात करें तो इसका भी नाम है देवनागरी। अगला सवाल क्वेश्चन 18 हमारा कहता है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? दोस्तों धारा नगरी के कौन ऐसे परमार शासक है जो विद्यानुरागी थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा भोज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है हमारा कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो हे दोस्तों महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है ना, ये किनकी रचना है? तो आप कहेंगे कि सर विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। क्वेश्चन 20 हमारा कहता है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो दोस्तों बहादुर की माँ गुस्से से इसलिए पागल हो जाती है क्योंकि बहादुर की माँ जब बहादुर को भैंस चराने के लिए भेजता है ना, तो एक दिन की बात है बहादुर भैंस को बहुत मारता है, तो भैंस को मारता देख बहादुर को देखकर बहादुर की जो माँ है ना, ये गुस्से से पागल हो जाती है और बहादुर को खूब पिटाई करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था, यही कारण है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 हमारा कहता है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व विजयी हिटलर एक ऐसा शासक था जिन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था, और सोवियत संघ का जो विघटन है ना, ये 1891 ईस्वी में हो भी गया था। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 22 को देखिए। तो क्वेश्चन 22 कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की डॉट डॉट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके बुक का एक लाइन लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 23 कहता है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे आपसे एक मुहावरा बोल दिया गया है कि गुदड़ी का लाल का क्या अर्थ होता है? तो गरीब के घर से एक गुणवान व्यक्ति जब उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसे कहा जाता है
कि मानो कि ये गुदड़ी का लाल है। अतः हम कह सकते हैं गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो गरीब घराने से गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न हो जाना गुदड़ी का लाल कहलाता है। अगला सवाल प्रश्न 24 कहता है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये गणपति, गजानन, लंबोदर इस प्रकार से होता है। तो गजानन, लंबोदर और गणपति में से केवल यहाँ पे लंबोदर दिख रहा है, अतः क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबोदर। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 25 कहता है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और प्रतिदिन में जो पहला है जो यहाँ पे मिला हुआ है उपसर्ग, इसमें प्रति है, और प्रति एक अव्यय होता है जिसके कारण प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 26 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 कहता है कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों यशोधरा शब्द का जब सही संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो ये बनता है यश जोड़ धारा, तो यश जोड़ धारा ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन 27 कहता है इनमें शुद्ध वाक कौन सा है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यदि आप चारों ऑप्शनों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि बी ऑप्शन में दिया है कि शब्द तो केवल संकेत है, यही एक ऐसा वाक है जो शुद्ध वाक है, बाकी ए, सी और डी ये तीनों वाक अशुद्ध वाक हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 28 हमारा कहता है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम किया करते थे। दोस्तों कवि घनानंद जो है ना, ये किस मीर मुंशी के यहाँ, किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे, तो उस बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले एक ऐसा बादशाह था जिसके यहाँ कवि घनानंद मीर मुंशी का काम किया करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 कहता है जन्म के 6 घंटे बाद उसकी माता का देहांत हो गया था, इसके लेखक कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था, तो इस लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सुमित्रा नंदन पंत है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनके द्वारा आपके 10वीं कक्षा में भारत नामक कविता की रचना की गई है। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को डॉट कवि के नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जो इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा भारत माता नामक कविता की रचना की गई है। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों कुछ समय 30 को देखिए, कुछ समय 30 कहता है हावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पे कुछ समय 30 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन रहेगा जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा, और ऑप्शन डी में दिया जाएगा भारत माता। तो दोस्तों फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह जो लाइन है ना, ये जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में आपने देखा हिंदी के मॉडल पेपर का 1 से लेकर 30 तक का ऐसे इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का सभी सेट का इम्पोर्टेंट PDF हमारे WhatsApp ग्रुप के द्वारा लेना, तो आप 93041 उसके बाद में 49001 पर जल्दी से मैसेज कीजिए, और यहाँ पे लिखिएगा कि सर हमें 10वीं कक्षा का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आपको WhatsApp पे वहाँ पे सभी सेट का नोट्स प्रदान कर दिया जाएगा, और तमाम छात्रों वहाँ पे नोट्स आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे। यदि आप चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से PDF डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड माई टीम्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट questionforexam.com के माध्यम से भी 10वीं कक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारियाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप तमाम छात्रों को धन्यवाद।